हेलो एवरीवन, हम हेड ऑफिस शोएब अली और आप सभी के लिए हम एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आए हैं। तो अभी DNS स्पॉन्सरशिप के लिए मोस्टली कुछ सभी कंपनीज का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, कुछ कंपनीज के तो टेस्ट और इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गए हैं। और अभी आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि कैसे, मतलब जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर करें, और फिर से ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको इंटरव्यू में करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए। ऐसे तो ये सब चीज़ें गूगल पे भरी पड़ी हैं, बट जब बात आ जाती है कि आपको कहीं से कुछ एक्सपीरियंस सुनने को मिल जाए, तब इससे फ़ायदा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया आया, हम सोचे कि हम आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ केस स्टडीज शेयर करें। मतलब कि हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं, जैसे 2022 से IMU मेट हम चला रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो इंटरव्यू में जाते हैं और क्या क्या गलती करते हैं जिनकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, वो सब चीज़ें हम बताने वाले हैं। और इसके लिए हम प्लान किए हैं कि एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें एक एक इंटरव्यू के बारे में, एक एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बच्चों को बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हुए या फिर सेलेक्ट हुए। तो जब बात आती है इंटरव्यू की, तो सबसे पहले हम जब भी IMU मेट में हमारा क्लास होता है तो हम अपने स्टूडेंट्स को एक स्टोरी तो सुनाते हैं। हमारे एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थे, मतलब मोस्टली IMU मेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी जानते हैं उसको, जय आदित्य सिंह जगतप। अभी एंग्लो ईस्टर्न में है, वो कैडेटशिप कर रहा है, शिप पे है, अभी साइन अप होने वाला है, साइन अप करके आएगा तो फिर से IMU मेट में एक्टिव हो जाएगा। उसी का किस्सा है, मतलब कि वो बहुत इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ है, मतलब एक दो नहीं, 4-5 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ है, तब जाके वो एक एंग्लो ईस्टर्न क्लियर किया। तो उसी का एक्सपीरियंस है, मतलब कि हर इंटरव्यू में वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर करता था जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता था। तो एक एक करके पहले हम उसका बताएंगे, फिर बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बहुत अच्छे होने के बावजूद भी वो रिजेक्ट होते थे, तो उस सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आज के वीडियोस में एक ही बताएंगे, बट उससे पहले आपको बता दें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMU CT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपका सारा कन्फ्यूजन डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें, तो स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, आप उसको कॉन्टैक्ट करके IMU मेट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा IMU मेट का फी बहुत ही कम है और बहुत कम फी में प्रिपरेशन का लेवल बहुत ही अच्छा है और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए वीडियो में आते हैं। तो बात उन दिनों की है जब जय आदित्य से मतलब हम परमिशन लिए हैं, तभी वो और खुद वो रिक्वेस्ट किया कि भैया आप नाम लेके बताइए ताकि सबको पता भी चले कि हम क्या क्या गलती करते थे जिसकी वजह से कोई और ना करे। तो जय आदित्य हमारे बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ IMU मेट था और बहुत मेहनत करता था, हमेशा इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहता था। तो उस टाइम 2022 में मोस्टली कुछ कंपनीज के ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहे थे, तो जय आदित्य का सबसे पहला इंटरव्यू था, वो भी तोलानी में TMI सेट का इंटरव्यू था जिसमें दो लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे। तो जय आदित्य पहुँचे अपने लैपटॉप से और जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, मतलब सामने की टीम की तरफ से लिंक आया था, उन्होंने लिंक ज्वाइन किया और कैमरा ओपन किया, तो वहाँ हो गया भारी मिस्टेक, क्योंकि जय आदित्य इतना पैशनेटेड था एंग्लो ईस्टर्न के लिए कि वो कस्टमाइज स्क्रीन करके रखा हुआ था। कस्टमाइज में क्या होता है कि जैसे अभी हम बैठे हैं और पीछे एकदम बड़े बड़े वर्ड्स में लिख के आ रहा है एंग्लो ईस्टर्न, ऐसे करके एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम अकेडमी, मतलब इतना पैशनेटेड था वो एंग्लो ईस्टर्न के लिए कि हर जगह जब देखो तब वो एंग्लो की ही बात करता था। अब जैसे ही वो ग्रुप, मतलब मीटिंग में इंटर किया, सामने इंटरव्यूअर को वो चीज़ दिख गया और सबसे पहला चीज़ उन्होंने यही नोटिस किया कि जय आदित्य आप अभी किसी इंस्टीट्यूट में हो क्या? तो फिर वो अपने आप को कवर अप करने के लिए बताया कि नहीं सर, वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो ऐसे ऐसे करके। बट ये एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है, अगर आपका इंटरव्यू में पहला ही इम्प्रेशन ख़राब हो जाए तो फिर आपको इंटरव्यू में कोई पास नहीं करवा सकता है। और दूसरी चीज़, हमेशा इंटरव्यू में इनिशियल 30 सेकेंड्स जो होते हैं उसी में डिसाइड हो जाता है कि इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हमेशा आपका जब भी इंटरव्यू में फर्स्ट इम्प्रेशन हो तो कोशिश कीजिए अच्छा हो। और अगर आपका कोई भी इंटरव्यू ऑनलाइन है, अभी भी कुछ कुछ कंपनीज के इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं, जैसे टॉर्म के ऑनलाइन हुए थे, फिर स्कॉर्पियो के ऑनलाइन होते हैं, समुद्रा के ऑनलाइन होते हैं, तो ये सब चीज़ों में आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप कभी भी कस्टमाइज स्क्रीन नहीं लगाइए और आपका बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पीछे में कपड़ा लटक रहा है या फिर किसी का आवाज़ आ रहा है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं, तभी आपका इंप्रेशन अच्छा होगा और आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या हुआ, उसी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर अभी आगे बढ़ा, क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा जयादित्य से, ये पूरा रिकॉर्ड किया था जयादित्य, तो
तो क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के कुछ पोर्ट्स का नाम बताओ। वो क्या किया, दो तीन पोर्ट्स के नाम बता के रुक गया। फिर वो लोग पूछते थे कि और, तब ये बताता था और एक दो का नाम, फिर वो पूछते थे और, फिर ये बताता था एक दो के नाम। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको पता है कि कौन कौन से पोर्ट हैं तो एकदम अच्छे से लाइन बाई। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी पोर्ट बोले जा रहे, जैसे कैसे भी, जैसे पहले मुंबई पोर्ट बोल दिए, उसके बाद से दूसरे तरफ सीधे पहुंच गया विशाखापट्टनम पोर्ट। नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर आपको पोर्ट पता है इंडिया के, तो आप एकदम लाइन से चलिए, गुजरात से स्टार्ट कीजिए, फिर महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र से गोवा में जाइए, गोवा से फिर नीचे कर्नाटका, कर्नाटका से केरला, केरला से चेन्नई, चेन्नई से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अपना उड़ीसा, उड़ीसा से फिर वेस्ट बंगाल, ऐसे करके आइए ताकि आप सारा पोर्ट्स अच्छे से कवर कर पाए और इंटरव्यूअर को भी सामने से पता चले कि हाँ आपको लोकेशन के साथ पता है। बस इतना ही बता देने से उनको पता चल जाएगा कि हाँ आपको पूरा लोकेशन पता है पोर्ट्स का, तभी आप ऐसे करके आ रहे हैं। और एक और चीज़ याद रखिए, अगर आप पोर्ट्स के नाम बोल रहे हैं तो पहले पोर्ट्स का नाम बोलिए और फिर स्टेट का नाम बोलिए। जैसे कांडला पोर्ट हुआ तो कांडला पोर्ट इन गुजरात, ऐसे करके मेंशन कीजिए ताकि इंटरव्यूअर को अच्छे से पता चले कि हाँ आपको इस चीज़ का अच्छा आइडिया है, आप बस रट्टा मार के नहीं आए हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब जयादित्य की गलती थी जो कि आपको नहीं करनी है। तो आज के वीडियोस में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जयादित्य का ही एमएससी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएंगे कि एमएससी में ऐसा क्या ब्लंडर मिस्टेक किया था। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहें ताकि आपको और भी एक्सपीरियंस मिलता रहे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।